Hello friends, welcome back. This is Rajkumar Yadav and we are going to see the second topic, that is hand labor and steam power. तो सबसे पहले ये first paragraph देखते हैं. तो Victorian Britain में human labor की कोई shortage नहीं थी. यहाँ पे गरीब farmers और vagrants cities में बड़ी संख्या में आए थे काम ढूंढने के लिए, और काम के लिए वो लोग wait भी करते थे. अब यहाँ पे जो word है vagrants, इसका मतलब क्या होता है? वो गरीब लोग जो अपने survival के लिए इधर उधर पैसे मांगते रहते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं. इन शॉर्ट हिंदी में बोलते हैं ना आवारा लोग वैसे. तो जैसा आपको पता है कि अगर मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हों तो उनके वेजेस कम हो जाते हैं. कैसे? मान लो आपके पास सिर्फ दो लोगों का काम है और मार्केट में आप जाते हो तो आपके पास 10 लोग सामने आ जाते हैं कि मुझे काम दो, मुझे काम दो. तो आप 10-10 लोगों से अगर बात करोगे तो जो लोग आपका काम कम रुपये में करके देंगे आप उन्हीं को चूज़ करोगे. तो यही होता है, जब ज़्यादा लोग हों काम करने वाले तो वेजेस कम हो जाते हैं. तो इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को लेबर शॉर्टेज या फिर हाई वेज कॉस्ट जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. और इन्होंने, इनकी इच्छा नहीं थी कि मशीन्स को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर मशीन्स आ गई तो ह्यूमन लेबर चला जाएगा और मशीन्स को लाने के लिए उनको बहुत सारा कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर जो लेबर की डिमांड थी वो सीजनल थी, मतलब पूरे साल भर मजदूरों की डिमांड नहीं थी. ठीक है, लेबर की डिमांड पूरे साल नहीं थी, सीज़न टू सीज़न होता था. जैसे गैस वर्क्स है और ब्रूअरीज़ है, यहाँ पे स्पेशली ठंडी के महीनों में बहुत काम होता था. यहाँ पे वर्ड है ना ब्रूअरीज़, ब्रूअरीज़ का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे बियर बनती है, BEER, जहाँ पे बियर बनती है उसको बोलते हैं ब्रूअरीज़. तो गैस वर्क्स और ब्रूअरीज़ में ठंडी के महीनों में बहुत काम होता था, इसीलिए इनको इस डिमांड की सीज़न पे इनको बहुत ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे. वैसे ही बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स का भी वैसे ही था. तो बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स, ये लोग खासकर क्रिसमस के टाइम पे इनके पास बहुत सारे ऑर्डर आते थे, तो इनको दिसंबर से पहले कुछ एक्स्ट्रा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी. यहाँ पे लिखा ना एक्स्ट्रा हैंड्स, मतलब एक्स्ट्रा लोग की ज़रूरत पड़ती थी. और एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूज्ड अप. वाटर फ्रंट का मतलब क्या होता है? वो जगह जो समुद्र से काफ़ी नज़दीक में है या फिर किसी रिवर से नज़दीक में है, ठीक है, तो वहाँ पे विंटर के टाइम पे शिप्स को रिपेयर किया जाता और स्प्रूज्ड अप किया जाता. यहाँ पे जो वर्ड है स्प्रूज्ड अप का मतलब क्या होता है? ये जब किसी चीज़ पे थोड़ा सा काम करो आप और वो चीज़ पहले से अच्छी लगने लगे, अपीयरेंस उसका और इम्प्रूव हो जाए, तो आप बोलोगे कि वो चीज़ कैसी हो गई है, इट इज़ स्प्रूज्ड अप. और इन सभी इंडस्ट्रीज़ में होता क्या था, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्शन फ्लक्चुएट होता है ना सीज़न के टाइम पे, जैसे सीज़न टू सीज़न प्रोडक्शन फ्लक्चुएट होता है, सेम तो रहता नहीं है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते थे, वो लोग हैंड लेबर को प्रीफर करते थे, ताकि हैंड लेबर को तो वो लोग जब जब मन कहे तब उनको बुला सकते हैं पैसे दे के, और जब मन कहे तब निकाल भी सकते हैं. तो सीज़न टू सीज़न वर्कर्स को हायर किया जाता था, परमानेंटली नहीं. यहाँ पे एक फ़ोटो है जो एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैरेज जैसा कुछ है ना, तो ये उन वर्कर्स की लाइफ थी जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे अपनी फैमिली के साथ में. तो पूरा समझ लो अपना छोटा सा एक घर लेके जाते थे यहाँ से वहाँ, जहाँ पे भी काम मिल गया वहाँ. अच्छा, ये एक आई थिंक ये फ़ोटो है जो द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ में छपा हुआ था 1879 में. इसके बाद देखते हैं, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर. मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर मास मार्केट. तो कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थे जो सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही बन सकते थे, हैंड लेबर से ही, मतलब कोई मशीन नहीं बना सकती उसे. तो मशीन्स का काम क्या था? मशीन्स का काम था यूनिफॉर्म बनाना, स्टैंडर्डाइज गुड्स बनाना बड़ी मार्केट के लिए, मास मार्केट के लिए. लेकिन जो डिमांड थी मार्केट में, जो डिमांड थी वो ऐसे सामान की थी जिनकी डिज़ाइंस काफ़ी इंट्रिकेट हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो और काफ़ी हाथ से की गई हो, स्पेसिफिक शेप वाली हो. तो मिड 19th century में ब्रिटेन के अंदर ऑफकोर्स वहाँ पे 500 वेराइटीज़ बनाई गई थी. किस चीज़ की? हैमर की वेराइटी. और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस थी, एक्सेस का मतलब होता है कुल्हाड़ी. और इन सबको बनाने के लिए ह्यूमन स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ना कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की. फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर जो अपर क्लास थी, मतलब के एरिस्टोक्रेट्स और बर्गियोजी, ये लोग, अब देखते हैं यहाँ पे ये बर्गियोजी का मीनिंग क्या है. तो ये रहा बर्गियोजी का मीनिंग, द मिडिल क्लास टिपिकली विथ रेफरेंस टू इट्स परसीव्ड मटेरियलिस्टिक वैल्यूज और कन्वेंशनल एटीट्यूड्स. नहीं, ये उतना नहीं समझ में आता.
एक तरह की मिडिल क्लास है जो काफ़ी खाते पीते घर के, ये मिडिल क्लास फैमिली वाले थोड़े पैसे वाले, द कैपिटलिस्ट क्लास हु ओन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो मार्क्सिस्ट में आ गया, ऊपर वाली लाइन थोड़ी ठीक है, मतलब थोड़े रिच और पावरफुल लोग ऐसा। तो ये एरिस्टोक्रेट्स और बर्गियोसी, इन लोग को हाथ की बनी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती थी। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो धीमे धीमे सोसाइटी में एक सिंबल बन गए रिफाइनमेंट का और क्लास का, कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिफाइनमेंट होती है और क्लास होता है एक टाइप का सोशल स्टेटस जैसा। और क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से बनाए जाते थे, दे वर बेटर फिनिश्ड, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। और हर एक प्रोडक्ट को एक एक करके बनाया जाता ना, एक साथ कोई इंसान 10-10 प्रोडक्ट को 1 मिनट में नहीं बना सकता वैसे ही। और इसको केयरफुली डिज़ाइन किया जाता था, तो मशीन मेड गुड्स होते थे लेकिन वो एक्सपोर्ट के लिए जाते थे। जैसे अगर अगर लंदन में कुछ बन रहे हैं मशीन्स के द्वारा, तो वो एक्सपोर्ट होगा इंडिया में, ऐसा होता था। और वो कंट्री जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होती थी, तो वहाँ के बिजनेसमैन क्या करते थे, वहाँ के बिजनेसमैन मशीन्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो मशीन्स का अगर वो लोग यूज़ करेंगे तो ह्यूमन लेबर की जो शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। और यही केस था 19वीं सेंचुरी के अमेरिका के अंदर भी यही हुआ था, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज जैसा कोई भी बात नहीं था वहाँ पे। अब देखते हैं टॉपिक 2.1। तो मार्केट के अंदर बहुत सारा लेबर अवेलेबल था, इसके वजह से वर्कर्स की लाइफ भी अफेक्ट हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़ फैलती कि यहाँ पे जॉब है वहाँ पे जॉब है, तो कंट्री साइड के लोग तुरंत ही वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के सिटीज़ में आ जाते। और एक्चुअल जो पॉसिबिलिटी है जॉब पाने की वो डिपेंड करती थी कि क्या आपका कोई नेटवर्क है, फ्रेंडशिप का फ्रेंड सर्कल है आपका कोई ऐसा, या फिर कोई रिलेटिव है वहाँ पे तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपका कोई रिलेटिव है या फिर कोई फ्रेंड है जो फैक्ट्री में काम करता है तो आपको तुरंत जॉब मिल सकती है, लेकिन हर एक के इतने सोशल कनेक्शंस तो होते नहीं हैं, राइट? और बहुत सारे जॉब सीकर्स को बेचारों को काफ़ी हफ्तों तक वेट करना पड़ता और अपनी रातें ब्रिजेस के अंडर गुजारते या फिर नाइट शेल्टर्स में गुजारते थे जो इंडिविजुअल लोगों ने बनाए। कुछ लोग नाइट रेफ्यूजीज में रहते थे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने बनाए हैं, और कुछ लोग कैजुअल वार्ड्स में रहते थे जो पुअर लॉ अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है ये उसी के बारे में दिखाता है, ठीक है? जो पुअर लोग बेचारे जिनका कुछ घर बार नहीं है, तो वो लोग इस तरह से पुअर शेल्टर्स के बाहर खड़े रहते जो सरकार ने बनाए हैं, और उसके बाहर खड़े होकर वो टिकट लेते थे और फिर अपनी रात यहाँ पे गुजारते थे। लेकिन इनके साथ भी उतना अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि इनके कपड़े साफ़ किए जाते और इनकी पूरी बॉडी को क्लेंस किया जाता ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले यहाँ से वहाँ, ठीक है? और इसके बाद देखते हैं आगे, सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सीजनल टाइम पे ही काम होता था, तो इसका मतलब क्या कि बहुत सारा साल का ऐसा टाइम होगा जो बिना काम के निकल जाएगा। जैसे ही बिजी सीजन ख़त्म होता तो पुअर वर्कर्स बेचारे फिर से वापस सड़क पे आ जाते हैं। और कितने लोग थे जो अपने गांव चले जाते हैं विंटर के बाद, क्योंकि गांव में कभी कभी मजूरों की डिमांड या लेबर की डिमांड होती थी, और ज़्यादातर लोग शहर में ही रह जाते और जॉब्स करते। और जॉब्स करना मतलब किसी के भी घर पे कुछ भी कर लेना, कहीं पे कुछ भी काम दे दिया कर लेना। तो ये सारी जॉब्स भी फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट था मिड 19वीं सेंचुरी में। और इसके बाद क्या होता, अर्ली 19वीं सेंचुरी में जब वेजेस एकाएक बढ़े थे थोड़े बहुत, तो ये हम लोग नहीं कह सकते ना कि इससे वर्कर्स की लाइफ भी काफ़ी सुधरी होगी या फिर वर्कर्स की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आया हो, ऐसा नहीं हो सकता था। तो जो एवरेज फिगर थी वो एवरेज फिगर्स में भी वेरिएशन आते रहते थे, ट्रेड के वजह से फ्लक्चुएशंस होते थे हर साल इधर से उधर, कोई वॉर हो गया कुछ हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब प्राइजेस एकाएक बढ़ गए नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे, ठीक है, नेपोलियन ने जिस टाइम पे वॉर किया था ब्रिटिश के साथ में इन सब के टाइम पे, तब तो जो रियल वैल्यू है कि एक वर्कर कितना कमाता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई। भले वो समझ लो कि पहले $5 कमाता है अगर महीने के, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो $5 ही उसको मिलेगा, लेकिन उसके $5 में जितना वो खरीद सकता था अब वो कम खरीद सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू घट गई थी, उसी पैसे की वैल्यू घट गई थी। मोर ओवर द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेंट ऑन नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, वॉट वॉज ऑल्सो क्रिटिकल वॉज द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट। तो ज़्यादातर जो वर्कर्स की इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ वेज रेट पे डिपेंड नहीं करती थी। और क्या क्रिटिकल था, ये जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कितने टाइम तक उनको काम मिल रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट था। जितने दिन तक उनको काम मिलेगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि उनकी एवरेज डेली इनकम कितनी होगी, राइट? और सबसे बेस्ट टाइम अगर होता था वर्कर्स की लाइफ में तो वो था मिड 19वीं सेंचुरी में,
जब पूरे अर्बन पॉपुलेशन की 10% पॉपुलेशन बहुत ही गरीब थी। इसके बाद या इसके आसपास का जो टाइम था उसमें 10% से भी ज़्यादा लोग गरीब थे उस टाइम पे, बहुत ही गरीब थे। और इकोनॉमिक स्लम्प आया ना जब, मतलब कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन ये सब टाइम आ रहा था, तो जैसे 1830s में तो बहुत सारे लोग, कम से कम कितना यहाँ पे है, 35 से 75% जो लोग थे अलग अलग रीजन्स में, उन लोग के पास कोई काम ही नहीं था, देवर अनएम्प्लॉयड। और जो फियर है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके वजह से वर्कर्स बेचारे काफ़ी डरने लगे थे, काफ़ी वो सहम गए थे, डरने लगे थे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा था हर एक चीज़ का, हर तरफ कोई कोई नई मशीन इन्वेंट हो गई, कुछ हो गया, तो उनको लगता था कि ये नई मशीन्स के आने की वजह से जो हमें अभी काम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो जब स्पिनिंग जेनी है, इसका जब इंट्रोडक्शन हुआ था मार्केट के अंदर, तब वर्कर्स को भी और भी गुस्सा आया होगा ना कि ये तो फिर से हमारा काम छीन लेंगे। तो वुलन इंडस्ट्री में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वहाँ पे वुमन हैंड स्पिनिंग करके अपना काम करती थी, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इन नए मशीन्स पे अटैक किया था। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, ये जो झगड़ा था कि जेनी का इंट्रोडक्शन होना, उसके ऊपर जो झगड़ा था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। और 1840s के बाद में जो बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ होती है, बिल्डिंग बनाने की एक्टिविटी, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई थी एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब सबको काम मिलने लगा था, क्योंकि रोड को और चौड़ा किया जा रहा था, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, टनल्स बनाई जा रही थी, ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम, ये सब रिवर्स को एम्बैकमेंट करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। मतलब रिवर्स के किनारे को उसके हर दोनों तरफ सॉलिड कंक्रीट बिछा के एक परफेक्ट बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दिया था। जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ी जाएगा ना, तो 1840s के बाद ये सब हुआ था। लेकिन जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे ट्रेड इंडस्ट्री में, वो 1840s में तो डबल हो गए थे, और उसके 30 साल बाद मतलब 1870s में तो इससे भी डबल हो गए थे। आपने देखा किस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता है। इसके बाद जो ये टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दिस इज योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर गाइड, व्हाटएवर यू कॉल मी, साइनिंग ऑफ।